पाथी गए साड़ी कशनी पति घर बार हर शे लोड़ गया था दाने न वो ही लोड़ गए सलाब आया जबरदस्ती दे पे हालात पूरा है करोड़ का नुकसान थी गया सर सब कुछ कोई रोटी कोई चाप पानी दमिल पोवे सर ये रिश्ता हम दी पिया थे रोड दो ते उठाई चल दी पिया जरे हकदार ही कोनी असा गरीब लोग हैं निके निके बच्चे ताले पिटे ने बेटन इतना कोई बंदा भी आता नहीं कोनी आया कोई अस्सलाम वालेकुम होप ऑल ऑफ यू आर फाइन चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब कर दें पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में बहुत बुरी तरह सैलाब आ चुका है और लोगों को इस वक्त आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ साथ बताता चलूँ मानसून का ये स्पेल जो आया बारिशों का उससे तोनसा डीजी खां इस साइड से और बलूचिस्तान वाले एरियाज़ में बहुत से लोग मुतासिर हो गए हैं इससे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ लोगों की ना सिर्फ रोज़मर्रा का सामान बल्कि उनकी मवेशी हो गए उनके गल्ला हो गया उनके घर हो गया सब कुछ सैलाब बहा कर ले गया। तो इन एरियाज में आप लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत है तो आपको आउट ऑफ द वे जाकर आप लोगों को मदद करनी चाहिए इनकी। मेरी आपसे दस्तखत रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी लाजमी जो है वो इन लोगों की मदद करें जिस तरह भी पॉसिबल हो सकता है। नहीं रहेगी असा ये बच्चे कट सके साले माल शाल शोदे बेच आ गए साले असा कहते दुख जे बाले को कटे साले दाने बेच रह गए हूं जी रिश्ता आंदी पी असि रोड दू तो उठाई चलती पी है जे हकदार ही कोनी असा गरीब लोग हैं निके निके बच्चे साले पिटे ने बेटन इतना कोई बंदा भी अज तक कोनी आया कोई शोधा आ निकलते कहीं वेले कोई आ निकलते तो कशे आन दें दे सकू असा फिर रोके इवे खड़े तो सकू कहीं कशे कोनी आन दी एक कला दा फकीर हूं सकू पेंट आन के दी सुकी असा वाह के खादिया नाश्ता किते थे मेहरबानी थी सकती है ता साले नाल कोई तावन करो नहीं थी सकती वत भी अल्लाह है वत भी अल्लाह है वत रेला पानी दा आया खड़े थे असा किदे बनू। आपने इस भाई के तासुरात सुन लिए होंगे कि जो मेन रोड है वहाँ तक तो इजीली कुछ लोगों को मिल रहा है सामान लेकिन जो अंदर फ्लड में है जो अपनी ज़मीनें काफ़ी लोगों के अंदर होती हैं जैसे ये कश्तियाँ भी इस्तेमाल हो रही हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए तो जो बेचारे दरमियान में फंसे हुए हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी है कि वो उनके खाने पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं है उनका गुजर बसर बहुत मुश्किल हो रहा है फाके तक की नौबत आ गई है तो काइंडली प्लीज़ हेल्प करें सब लोगों की बात थी गई साड़ी कशे नहीं पती घर बार हर शे लोड़ गया था दाने न वो ही लोड़ गए खावन वास्ते कशे कहनी जेरी शाये उथाई रोड दे बंडी दी पिए ना कैंप दे पा ना कपड़े ना कशे साड़िया जुतिया कहनी पेरे कंडे लग देन वेने आदे कि ना साड़ा समान बचे ना कशे हुन बाले न थियूं या समान दो थियूं असा तो बर्बाद थी गए थी दी मेहरबानी अल्लाह वास्ते कोई दुआ कहीं को कशे देऊ मखलूक शो दी में पई थी रोड दे उतो झाड़ बणया खड़े वत नवा पानी आ गए असा किडे वंजू साकु त दसाओ असा तो हुकूमत पंजाब के रहने वाले लोग हैं कोई मेहरबानी की वे कोई दे आया वे आपको रिक्वेस्ट ये है कि 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 1000 जितने हो सकते हैं उन लोगों की किसी न किसी तरह काफ़ी एन जी ओज हल खिदमत वाले हैं और बहुत से हुकूमती अदारे भी उनकी हेल्प के लिए गए हुए हैं। आर्मी हमारी फ्रंट लाइन पे है तो काइंडली जा प्लीज 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 इन लोगों की लाजमी आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प करें और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है मतलब हम अपनी सियासी इख्तलाफात में पड़े हुए हैं काफ़ी चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही लेकिन अब ग्राउंड रियलिटीज बहुत बहुत परेशानी के सामने है बहुत मेहरबानी करें कॉपरेट करें लोगों के साथ और सर सर सब पूरा है सर सलाब आया जबरदस्ती हालात पूरा है करोड़ का नुकसान थी गया सर सब कुछ कोई रोटी कोई चाह पानी तो मिल पवे सर कैसे कहने मिले ना टेंट सर को छिड़ते बैठे अल्लाह दस्तर बैठे कोई है तो भेज दो सर परो।